आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे हॉरर वेब सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ जिनको देखने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा हॉरर वेब सीरीज का पैकेज तैयार हो जाएगा, लेकिन दोस्तों के साथ ही देखना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिस्पी बॉलीवुड की क्रिस्पी खबरों में। तो नंबर 5 पे है द मिडनाइट क्लब। 2022 में रिलीज हुई ये वेब सीरीज इतनी भयानक है। ये 8 लोगों की कहानी है जो 8 मेंबर होते हैं क्लब में। वो रात के टाइम पे मिलते हैं और भयानक भयानक स्टोरीज के बारे में डिस्कशंस करते हैं। अननेचुरल पावर्स के साथ भयानक तरीके से इस सीरीज को तैयार किया गया है। और नंबर 4th पे है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। ये 2018 में रिलीज हुई थी। एक ऐसे भाई बहन की कहानी जिनका बचपन हॉन्टिंग प्लेस पे गुजरा है, लेकिन जवानी में भी उनको उसी जगह पे वापस जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से भूत प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। और नंबर 3 पर है द हंटिंग ऑफ ब्ले मैनर, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। एक ऐसे गवर्नर्स की कहानी जो कि ब्ले मैनर पे रहने आती है, लेकिन अचानक से उसको वहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं दिखने लगती हैं और वो उनका सामना करती है। नंबर 2 पर है मरीने। 2019 में ये आई थी और लोगों का मानना है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक बहुत फेमस राइटर है जो कि कुछ नया लिखना चाहती है। इसके लिए वो अपने होम टाउन में जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो तो भूत प्रेत से भरा हुआ है। और ट्विस्ट जब आता है जब उसे पता चलता है कि जिन आत्माओं को वो अब देख रही है वो पहले से ही उसके सपनों में उसे दिखाई देते हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक स्टोरी है ये, और काफी लोगों का ये भी कहना है कि इस सीरीज के पूरे एपिसोड वो नहीं देख पाए। और नंबर 1 पर है द मिडनाइट मास, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसमें एक पादरी एक फादर एंट्री करते हैं और उनके आने के बाद से ही अलौकिक घटनाएं और भूत प्रेत की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत भयानक है और कुछ लोगों का कहना है कि ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट सीरीज है, या आपने कौन सी देखी है या नहीं देखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।